गाइस आज हम पहुंचे हैं अर्बन फॉरेस्ट में। ये हारिस अर्बन फॉरेस्ट हम बनाने वाले हैं। अर्बन फॉरेस्ट जगह भी कहते हैं, इस जगह को भी कहते हैं। ये क्लिफ्टन पे है, ब्लॉक 5 के अंदर है। ये सामने ओशन टावर है, ओशन है, उसके सामने एमरेट है, ठीक है। उसके बिल्कुल सामने ही आपको ये मिल जाएगा। स्पॉट कहाँ है हमारा? स्पॉट कहाँ है? स्पॉट पे देखो, अभी देख सकते हैं, अभी जा रहे सारे। चले मिलते हैं इंशाल्लाह। आज हम जो यहाँ आए हुए और हमें एक नए माहौल मिल गया, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और कराची में ऐसे पार्क और ऐसे जंगलात होनी चाहिए। वो आप दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है तो कुछ पौधे सर्वाइव कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और बढ़ जाएगा, और कम हो जाएंगे, और बढ़ जाएगा, बिल्कुल ही समंदर के पानी में सिर्फ मैंग्रोव का तरफ चलता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सकलेन है, मैं चक्रकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ हम आज टीम के साथ आए हैं और बाकी हमारे टीम्स भी हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आए हुए हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें की लोगों ने और बहुत यहाँ के सिस्टम वगैरह देखे। तो इंशाल्लाह रौनक कराची और रौनक पाकिस्तान सब मिलकर बनाएंगे। जगह ये आप देख रहे हैं कि दो तलवार की तरफ पाई जा रही है, और जिसे क्लिफ्टन भी कहा जाता है, या तो आप पंजाब चुरंगी का रास्ता भी कहते हैं इसको। और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह जिस काम के लिए बुलाया गया और जिस काम के लिए हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उस काम को मद्देनजर रखा इंशाल्लाह ज़रूर। सो पॉइंट ये है कि कोई सॉइल ऐसी नहीं है जिस पे ना लगा सके। हाँ, अलबत्ता अगर उसमें कचरा भरा हुआ है, कंस्ट्रक्शन की डिबरी है, वो सब नहीं होना चाहिए, जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकेगी, ठीक है ना। ये पत्थर हमने देखे बाहर निकाल चुन चुन के निकाले हुए, इसमें कंस्ट्रक्शन की डिबरी बहुत सारी है। आपको वो पट्टी पे दूर वो नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, एक से एक उसमें मतलब मॉडल होगा इसके। बगास होता है शुगर केन का वेस्ट, मिलों से जब आप उसको निचोड़ के उसमें से रस निकाल लेते हैं और उससे चीनी बनना शुरू हो जाती है, जो फक्की बचती है उसकी, गंडेरी का नहीं बचता वेस्ट, वो हम मंगा लेते हैं उसका पूरा ट्रक। हमें यहाँ तकरीबन 400 ट्रक वो डाला है हमने इसे। फिर हमने चावल का छिलका मंगाया हुआ है, राइस हस्क, ये जो आप जिस पे खड़े हुए हैं आपको राइस हस्क नज़र आ रहा है, ये स्प्रिंग की तरह होता है। इसका काम ये होता है कि ये मट्टी के अंदर मट्टी को जमने नहीं देता, पत्थर नहीं बनने देता, उनमें गैप्स रखता है। कराची का गाय तोड़ने आज स्कूल ऑफ राइटिंग की तरफ से आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब यहाँ आए और ये जानने की कोशिश की कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं मियावाकी मेथड के थ्रू। एक जंगल लगाना चाहते हैं जो कि 3 साल में एक जंगल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसके साथ साथ हम पार्क में और बहुत सारी फैसिलिटीज़ और चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, जो कि लोगों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए काफ़ी समझिए आराम का बाइस बनेंगी। तो आप भी आएँ, आके देखें कि हमारी क्या कोशिशें। हम यहाँ इंशाल्लाह 50,000 दरख्तों का एक जंगल लगाने जा रहे हैं। 8,500 तक हम पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं साल हम ये नंबर 50,000 का कंप्लीट कर रहे हैं। मेरा नाम सौरठ है और मैं प्रोफेशनली एक फ़िल्म मेकर हूँ, और मैं TSW की ऑर्गेनाइजेशन के साथ पढ़ाती भी हूँ बच्चों को। हम यहाँ पर आज अर्बन फॉरेस्ट में बच्चों को लेके आए हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में आलूगी जो कराची शहर में बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसका एक वजह ये भी है कि कराची में दरख्त की तादाद कम होती जा रही है। तो जो सर शहजाद साहब हैं, उनसे आज हम मिले और उन्होंने हमें बताया कि इस क्राइसिस को किस तरीके से हम जल्दी अर्जेंटली इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, इस पर अगेंस्ट एक्शन उठा सकते हैं। और उन्होंने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद एक तरीका, एक प्रोसेस दरियाफ्त किया है, जिससे आप 3 साल के अंदर दरख्त को उगा सकते हैं विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स, नेचुरली
एक उन्होंने एक तरीका दरियाफ़ किया है, रिसर्च की है जिसके बारे में, जो कि असल में जापनीज़ एक थे, बंदे थे अकीरा साहब, अकीरा मियाँ की, जिन्होंने ये प्रोसेस दरियाफ़ किया था। तो उससे आप जल्दी जल्दी से दरख्त उगा सकते हैं। एंड आई थिंक इस वक्त हमारे शहर में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दरख्त होंगे तो इंशाल्लाह बारिशें होंगी तो थोड़ी सी ठंडक पैदा होगी, क्योंकि गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जैसे कि बोला जा रहा है कि 2019 में इस दफ़ा सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, तो उसके ख़िलाफ़ अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो इससे पहले यानी और भी बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो इससे पहले बहुत ज़्यादा देर हो जाए, आई थिंक एक्शन लेने का टाइम आ गया है। और जब कोई सोल्यूशन आपको दे रहा है तो सोल्यूशन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, टीएस स्कूल, द स्कूल ऑफ राइटिंग के थ्रू जो हम स्कूल स्टूडेंट्स को यहाँ पर आए हैं और हम लोग सीख रहे हैं कि हाउ टू ग्रो अर्बन फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया। जैसा कि पहले देखा जा रहा है कि ये 3 साल पहले अडॉप्ट किया गया था एरिया, ये पहले एक आम जैसे कराची का एक आम सा एरिया हुआ करता था, ये पार्क हुआ करता था जहाँ कचरा हुआ करता था, यहाँ पर मुख्य किस्म के मलबाजात फैले हुए थे। लेकिन आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बाद जो है आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सा किस्म का जो है एक जंगल आबाद किया गया है और एक सस्टेनेबल गोल दिखाया गया कि हम लोग कम से कम मिनिमल रिसोर्सेज में बहुत अच्छे से आउटपुट कैसे दे सकते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है कि हमें तमाम कराची में मुस्तकबिल को देखते हुए हमें ये जंगलात को उगाना चाहिए और इस तरीके से हम अपने इकोसिस्टम को बहुत तरीके से इक्वलाइज कर सकते हैं। सो गाइज, हमने अपना ट्रिप मुकम्मल कर लिया यहाँ पर। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे वीडियोस के साथ। बहुत अच्छा लगा TSW के साथ, हमने ये इवेंट कवर किया था आज। एक एक्टिविटी थी अर्बन फोर्थ के नाम से, पीछे आ रहे ये शायद पता नहीं कहाँ के बाहर आई, लेकिन बहुत अच्छा इवेंट रहा। ये हमारे पीछे है, ये बिल्कुल क्लिफ्टन पर, ये पीछे ये आइफन टावर दिख रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।